ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन क्लास 9, और कौन सा बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले सोच के बताओ कि आसपास क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, ग्रेविटेशन से क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन वर्ड से क्या लग रहा है कि क्या होता है ग्रेविटेशन? उसी पे रहते हैं, उसी की जगह रहते हैं, उठते नहीं है। और और हम उसकी वजह से खड़े रह सकते हैं गिरे बिना। अट्रैक्शन, अच्छा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देख, ग्रेविटेशन को अगर हम अब डेली लाइफ में देखें तो हमारी नदी ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रही है। तो कभी सोचा है कि पानी ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ ही क्यों बहता है? तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी एक फोर्स है जो उसको ऊपर से नीचे लेके आ रही है। ये जो थ्योरी है, ये सबसे पहले किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वरना उनके से ऊपर तो से अगले में लगे नहीं बोलते, उनके सर पे सेब गिरा, तो फिर उन्हें क्या फील हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर उड़ के क्यों नहीं जा रहा है? या जब हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, बॉल थ्रो करने के बाद वापस नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर आगे क्यों नहीं चली जा रही है? तो उन्हें समझ में आया कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसको अर्थ की तरफ खींच रही है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहा। इट इज ड्यू टू दिस फोर्स ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड व्हेन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन फॉलिंग टू द ग्राउंड, फ्लोइंग द रिवर। ओशन के अंदर पानी है इतना सारा, बाहर क्यों नहीं बह जा रहा है, अर्थ से गिर क्यों नहीं जा रहा है? ये सारे जो चीजें दिख रही हैं हमें, ये सब हमें ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दिख रही हैं। ठीक है, जो अर्थ क्या कर रही है, उस पे लगा रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको क्या करना है, अगर सिर्फ डेफिनेशन नोट करनी है तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो ग्रीन पेन से हाईलाइट है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हो। इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन करते हैं। तो जो हम 12th में अब ये जो पढ़ रहे हैं थ्योरी, या 9th में जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये सारी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसमें तीन लॉज दिए न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्सलेशन कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक एक करके थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। ये पढ़कर आए हो, अभी से पहले वाला जो आपका चैप्टर था वो यही था, है ना? थोड़ा सा पढ़ के आए हो, लेकिन अब हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग इन तीनों लॉज को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा स्टेटमेंट? तो यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो हमेशा मूविंग रहेगा, जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, और उसी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन अनलेस एक्ट अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर कोई बाह्य बल या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तब तक वो चीज उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो है। सपोज मैंने ये पेन अगर यहाँ रख दिया, तो ये पेन यहीं रखा रहेगा जब तक मैं एक बाहर से फोर्स लगा के इसको उठाऊ नहीं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जेक्ट वुड सिंपली फ्लोट अराउंड। अगर अब जो अर्थ ट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाता तो क्या होता, ये पेन ऐसे ही हवा में घूमता रहता इजीली, क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से वो वापस क्या है, जमीन के पास पहुंच जा रहा है। जैसे ही हम इसे उछाल रहे हैं, वापस जमीन पे चला जा रहा है। तो यहाँ से हमें की कंसेप्ट क्या मिल रहा है, एक तो इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि जो उसकी स्टेट है, टेंडेंसी टू अपोज द क्या कहते हैं द नेचुरल टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसको रिसिस्ट करने की जो कंडीशन है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिसिस्ट चेंज इन एनी स्टेट ऑफ मोशन इट इज डायरेक्टली रिलेशन टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा।
है ना। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उतना ही उसका इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि बुक को हमने रख दिया, जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो बुक उसी स्टेट में वहीं पे रहे। तो किन लॉ ऑफ मोशन, दोनों डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। द रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी ओवर डीटी। और पी हम जानते हैं मोमेंटम है, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डी ओवर डी टी ठीक क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। नहीं वो लेकिन उसके लिए डेल्टा नहीं बना सकते ट्रायंगल, डेल्टा भी बना सकते हैं अभी, लेकिन अभी मैंने कहा ना, अभी आपके लिए क्या है, ये वाली एक्सप्लेनेशन ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो अब फिलहाल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी वी ओवर डी टी, और dv ओवर dt यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है क्या एफ हो इक्वल्स जाता है, गेट एम को, तो एम ए एक्सलेशन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नहीं होगा एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। नहीं, तो ध्यान से सुनो जो मैं बोलने चाह रही हूँ। एक्चुअल में जो ये वाला लॉ है हायर क्लास में ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मास को कांस्टेंट ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन मास एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता। तो अभी के लिए डेफिनेशन क्या सफिशिएंट है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अच्छा, ये एक्सेलरेशन के टर्म्स में ले दिया कि ए इक्वल टू, ठीक जो एक्सलेशन है वो फोर्स और मास के रेशियो के बराबर होता है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सलेशन कम होगा, है ना। दिस ऑफन एक्सप्रेस विद फॉर्मूला ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट न्यूटन्स में डिफाइन करते हैं, एम मास ऑन ऑब्जेक्ट किलोग्राम में डिफाइन करते हैं, ए एक्सलेशन प्रोड्यूस मीटर पर पर सेकंड। सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ तक अभी कोई डाउट है, ये जो मैंने बोला ये चीज ये समझ में आई क्या हो रही है, कि जो फोर्स है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, और मोमेंटम एमवी होता है, मास को हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो बाहर ले लेते हैं, और इसको हम डीवी ओवर डीटी को ए लिख सकते हैं, लेकिन ये मास भी कांस्टेंट जिसको हम मान रहे हैं एक्चुअल में मास भी कांस्टेंट नहीं होता, आगे की थ्योरी में हम पढ़ेंगे। बट क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो ये मैकेनिक्स है जहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती है, वहां पे ये कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या समझ में आया, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, पुशिंग अ कार्ट विद मोर फोर्स रिजल्ट अ ग्रेटर एक्सीलरेशन। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा एक्सलेशन होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, कि हर एक बात का हैज एवरी एक्शन एन इक्वल एग्जाम्पल हैज इक्वल दिए इसका। रिएक्ट। जैसे हम चल रहे होते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं जमीन पे, तो उतना ही रिएक्शन हो जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, एग्जाम्पल पूछ रही थी मैं तेरे से। जब हाँ बोलो अब। चल रहे होते हैं तो हमारा पैर फोर्स लगाता है जमीन पे पीछे की तरफ, तो वह इक्वल वही फोर्स लगाती है लेकिन हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सही। और दीवार पे मुक्का मारो ठीक हो जाएगी। फोर्स ऑलवेज कम इन अ पेयर, तो व्हेन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, द ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी, तो जो फोर्स है वो हमेशा पेयर में आती है, तो हर एक्शन का रिएक्शन है, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके अपोजिट में हमें फोर्स मिल रही है। व्हेन यू जंप ऑफ अ स्मॉल बोट यू पुश अ बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फिर क्या होती है, नदी वापस से उसको
हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड वो ऊपर जंप मारते हैं, ऊपर चलते हैं, तो हमने उसको नीचे पुश कर रहे हैं, वो ऊपर पुश कर रही है हमें। और एग्जाम्पल बता, जब कोई कार चल रही होती है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, हम आगे मूव कर रहे हैं, ब्रेक मार तो रहा है। एकदम से जैसे ही ब्रेक लगते हैं, तो हम एकदम से जैसे ही ब्रेक लगे आगे को तरफ बैंड हो जाते हैं। तो हाउ सीट बेल्ट हमने पीछे को खींच दी है। ठीक जो ये एग्जाम्पल है, ये एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द ग्रेविटेशन फोर्स दैट एक्सर्ट अर्थ एग्जर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ऑब्जेक्ट एग्जर्ट ऑन द अर्थ। तो अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और हमें नीचे की तरफ खींच रही है, तो हम भी अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं उसको उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। है दोनों, FA हाँ, या F1 इक्वल टू F2, बहुत आराम से। तो यहाँ से जब हमने सेकेंड लॉ भी पढ़ लिया, थर्ड लॉ भी पढ़ लिया, थोड़ा सा उसको और एक्सप्लोर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म्स में। अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट अ इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। ये तो अभी हम एक्शन रिएक्शन में पढ़ के ही आए हैं। लेकिन जो दोनों का मास है, ऑब्जेक्ट का और सरफेस अर्थ का, दोनों अलग अलग है। ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास से बहुत कम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास हमेशा अर्थ के मास से बहुत कम रहेगा, दोनों की जो फोर्स लगा रहे हैं उसके बावजूद। ऑब्जेक्ट और अर्थ जो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है F12 इक्वल टू जो अर्थ फोर्स लगा रही है F21, हमेशा ये क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। फोर्स तो इक्वल है, लेकिन फोर्स इक्वल होने के बाद भी अर्थ हमें खींच लेती है अपने पास, हम अर्थ को नहीं खींच पाते हैं, अर्थ मूव नहीं कर पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मास। मास की वजह से, आप एक्सेलेरेशन की वजह से, तो क्या हो रहा है भाई, फोर्स तो इक्वल है बट दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से उनका जो एक्सेलेरेशन है वो डिफरेंट है। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका एक्सेलेरेशन उतना कम होगा। हाँ, तो इन फैक्ट एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ इज स्मॉल एंड इट्स मूवमेंट मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। इसलिए जब वो अर्थ मूव कर रही है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो वो हमें लगेगा ही नहीं कि मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट हमें मूव करते हुए दिख रहा है। धरती पे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर धरती मूव क्यों नहीं कर रही? धरती पे तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क तो अलग अलग कर रहे हैं ना, हर एक ऑब्जेक्ट पे जो उनका एक्शन रिएक्शन है वो तो अलग अलग है। तो एक ऑब्जेक्ट इधर खींच रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर खींच रहा है, हर की जो एक्सलेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, और उस ना के बराबर में भी हर एक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो खींच ही नहीं सकता है चाह के भी, ठीक है। इनफैक्ट एक्सलेशन ऑफ अर्थ इज स्मॉल दैट दैट इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, बट ऑब्जेक्ट कैन क्लियरली सीन मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं अर्थ की तरफ मूव करते हुए। द एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट ऑन इट बाय द अर्थ। स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। द एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बाय द अर्थ is always greater than on the earth is always greater than the acceleration of earth due to gravitational force exerted by on it by object. समझ में आया क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन हमेशा ज्यादा है, क्योंकि क्यों ज्यादा है, अर्थ ने उस पर फोर्स लगाई है, ठीक है, और
अर्थ का एक्सीलेशन कम है क्योंकि ऑब्जेक्ट ने उस पर फोर्स लगाई है, क्योंकि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का सेम है, उसके बाद भी जो एक्सीलेशन है ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा है इन कंपेयर टू अर्थ। याद रहेगा ये पॉइंट? ज्यादा क्या कहा मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? है इसकी वजह से जो फोर्स है, हाँ फोर्स तो इक्वल है। हाँ एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑन बाय द अर्थ इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑन बाय द ऑब्जेक्ट। चलो आगे। अब एक एग्जाम्पल लिया है हमने। कंसीडर एप्पल ऑफ मास 0.2 kg बीइंग अट्रैक्टेड बाय अर्थ ऑफ मास। अर्थ का मास हम हमेशा यही लेते हैं 6 × 10²² kg विद ग्रेविटेशनल फोर्स F1। ठीक है, द एप्पल ऑल्सो एग्जर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स F2। F12 भी कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी मर्जी है। मैं तो F1 और F2 लेके चल रही हूँ, आप इनके नाम को भी लिख सकते हो सफिक्स में। ठीक है, ऑन अर्थ। अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं। हमने माना कि A1 एक्सलेशन है अपिल का F1 फोर्स की वजह से, और A2 एक्सलेशन है अर्थ का ड्यू टू फोर्स F2 की वजह से, एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये वैल्यू रख दी। F की वैल्यू क्या रख सकते हैं, M1A1 इक्वल टू M2A2। दोनों को रखा, मास को एक साइड ले गए, एक्सलेशन को एक साइड ले गए, तो A1/A2 का रेशियो आ गया, मतलब A1 जो है A2 से इतना टाइम्स है, इतना ज्यादा है। A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। ये एग्जाम्पल से भी प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है। कैसे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, किन लोग एवरीडे एग्जाम्पल। एक तो सीट बेल्ट वाला अभी हमने डिस्कस ही किया था कि सीट बेल्ट इन कार्स प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, ये फर्स्ट लॉ है। हाँ, हैवियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू पुश कंपेयर टू लाइटर। दिखेगी तो फिर तू दुखी होगी। लाइटर एट लाइटर वन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वॉकिंग इन्वॉल्व पुशिंग बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड वाइल ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड, ये थर्ड लॉ है। ठीक है, स्पोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग दीज लॉ हेल्प इन स्पोर्ट्स सच एज हाउ अ प्लेयर कैन चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड हाउ अ बॉल मूव्स आफ्टर बीइंग किक। कंक्लूजन, यहाँ से क्या समझ में आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन हाउ फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे आर एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड। पागल है क्या? फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एवरीडे लाइफ प्रोवाइडिंग इनसाइट इन टू अ बिहेवियर ऑफ मूविंग बॉडीज। तो हमें समझ में आता है इनको पढ़ के। तो की पॉइंट्स हैं, फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया का है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, रेजिस्ट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होती है। थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अकर इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में अकर होती है।